अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा मौसम है, और अब आजकल जो है समर आ गया है, तो ये देखें कि मेरे जो है गुलाब के पौधे किस कदर ब्लूमिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है गुलाब लगे हुए हैं मेरे पास। जो है काफ़ी टाइप के गुलाब हैं, वाइट भी है, येलो भी है, रेड भी है और पिंक भी हैं। तो ये देखें कि किस तरह से पूरा पेड़ जो है गुलाबों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे जो है समर का मौसम जो है वो बहुत ही मज़ेदार लगता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम जो है सर्दी होती है, तो ये दो चार महीने जो गर्मी के होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रीनरी होती है बहुत ज़्यादा, और फिर रंग बिरंगे फूल जो है वो आँखों को बहुत ठंडक देते हैं। तो आजकल तो ये मेरी फेवरेट जगह है, मैं जो हूँ अक्सर यहाँ पर बैठ के चाय पीती हूँ और अपने गुलाब के पौधों के फूलों को इंजॉय करती हूँ। तो आज सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊँ कि कनाडा में ऐसा भी होता है। ज़्यादातर तो यही होता है कि बस बर्फ़ पड़ी रहती है, सर्दी होती है, तो बस ये है कि इंजॉय कर रहे हैं समर को, बारबेक्यू वगैरह करते रहते हैं, इसी में मज़ा आता है। तो आज जो है मैंने सोचा कुकिंग से पहले आप लोगों को कुछ फूल पौधे भी दिखाए जाएं। आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक कैसरोल डिश बना रही हूँ, बेक पोटैटो एंड मिन्स मीट के साथ। तो ये बहुत ही लजीज बनता है, मज़ेदार है, ये इटालियन डिश है और काफ़ी मज़े की बनती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं चाहिए, कीमा तो आप लोग बनाते रहते हैं, तो कभी जो है इस तरह डिफरेंट तरीके से भी बनाएं कीमा और पोटैटो को, तो बहुत ही ये मज़े का बनेगा। तो इसके लिए जो है मैंने 1 किलो के करीब जो है आलू ले लिया, और फिर उसको छिलको समेत ही बारीक काट लिया। बहुत बारीक नहीं है और मोटा भी नहीं है, मीडियम उसकी थिकनेस रख के मैंने काटा है। फिर उसमें जो है ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून के करीब डाल के मैंने जो है ब्रश से उसको लगा दिया तारे आलूओं पे, और उसके बाद उस पर नमक और काली मिर्च छिड़क कर उसको मैं बेक करूँगी 25 मिनट के लिए 350 फारेनहाइट पर। तो अच्छी तरह से जो है नमक और काली मिर्च उनके पर छिड़क दें ताकि फीके ना रहें आलू। तो तकरीबन मैंने आधा आधा टीस्पून के करीब डाल दिया है नमक और काली मिर्च, और फिर उसको 350 फारेनहाइट पे बेक होने के लिए रख दूंगी मैं। अभी ओवन में बेक हो रहे हैं जब तक आलू, तो हम उस वक्त तक जो है मीट सॉस तैयार कर लेते हैं, कीमे की जो सॉस है वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में जो है 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है, और फिर इसमें जो है मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज, तकरीबन आधा कप के करीब है ये प्याज, इसको चॉप करके डालूंगी मोटा मोटा, और फिर उसको कुछ देर पकाएंगे कि बस थोड़ा सा कुक हो जाए और नरम हो जाए और इसकी स्मेल निकल जाए। तो उसके बाद फिर इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और फिर उसको भी जो है ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि गार्लिक की स्मेल निकल जाए और खुशबू आ जाए। कुछ देर उसको भूनने के बाद इसमें जो है हम कीमा ऐड करेंगे। मैंने जो है बीफ का कीमा यूज़ किया है, आधा किलो के करीब ये कीमा है। आप चाहें तो इसमें मटन या चिकन का कीमा भी आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से जो है भूनेंगे, जब ये ऑयल में कुछ देर फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें जो है हम कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। ओरिगैनो 1 टीस्पून के करीब मैंने डाला है, और बेजिल लीव जो है वो 1/2 टीस्पून। बेजिल का टेस्ट ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए वो 1/2 टीस्पून डाला है, और 1 टीस्पून जो है क्रश रेड चिली ऐड किया है,
अगर आपको मिर्ची कम पसंद है तो आप कम डालें। गार्लिक पाउडर भी डाला है इसमें आधा टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। और फिर इसमें मैंने सॉल्ट और पेपर जो है वो हाफ हाफ टी स्पून ऐड किया है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से जो है हम फ्राई करेंगे ऑयल में। जब ये कुछ देर फ्राई हो जाएगा तो इसमें फिर हम एक कैन जो है 400 ग्राम टमाटो चंक्स का मैंने डाला है। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो पास्ता सॉस बने हुए मिलते हैं कैन में वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर कुछ पानी डाल के मैं जो हूँ इसको तकरीबन पकने के लिए जो है 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए। इसको ढक के जो है हम पकाएंगे। अब ये जो है 25 मिनट में जो है बेहतरीन सा तैयार हो गया है। तो अब हम जो है कैसरोल को जो है तैयार करते हैं, लेयरिंग करते हैं इसकी। अब कोई भी जो है बेकिंग डिश लेके उसमें ऑयल लगा लें अच्छी तरह से ताकि जब आप निकालें तो आराम से निकल जाए। इस तरह से ब्रश के ज़रिए अच्छी तरह से जो है ऑयल लगा लें चारों तरफ। और फिर जो है सबसे पहले मैंने जो आलू बेक किया है उसकी पहली लेयर लगाएंगे, और फिर उसके ऊपर कीमे की लेयर लगाएंगे, फिर आलू की, फिर कीमे की, फिर एंड में आलू की। तो ये एक लेयर लगा के अब उस पर मैंने कीमा अच्छी तरह स्प्रेड कर दिया है। इवनली चारों तरफ जो है स्प्रेड करें। उसके बाद इसके ऊपर दोबारा जो है आलू की लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर मैं मोज़रेला चीज़ जो है वो थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी और थोड़ा ऊपर स्प्रेड करूँगी। टोटल मैंने एक कप मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर कीमे की लेयर लगा के फिर फाइनली जो है आलू की लेयर लगाएंगे। और व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, इससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। अब ये जो है फाइनल लेयर जो है मैं आलू की लगा दूंगी और फिर उसके ऊपर अच्छी तरह से चीज़ जो है वो छिड़क देंगे। और फिर उस पर ऑरिगेनो और कुटी हुई लाल मिर्च डाल के इसको मैं बेक होने रख दूंगी 350 फ़ारेनहाइट पर। आप जो है प्री हीट करें ओवन को और फिर उसमें जो है 20 से 25 मिनट के लिए इसको रख दें। ऊपर से बस मतलब मेल्ट हो जाए चीज़ और हल्का हल्का ब्राउन हो जाए। तो ये मैंने रख दिया है। ये देखें बेहतरीन सा तैयार हो चुका है ये बेक हो के। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही औसम डिश होती है। तो आप जो है इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मेरे घर में जो है स्पेशल दिन है क्योंकि किसी की बर्थडे है, तो मैंने ये डिश बनाई है। बहुत ही मज़े की बनती है। और इसके साथ जो है मैंने राइस और शाशलिक तैयार किया है। ये देखें कुछ फूल सजाया है। तो और जो है केक भी मैंने बनाया है, ग्लूटेन फ्री और डेयरी फ्री केक बनाया था काजू और बेरीज के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त बना। बस ये है कि मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं की उसकी रेसिपी। दोबारा जब बनाऊंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी। ये जो है देखिए केक कितना ज़बरदस्त बना है ये, और ये जायके में भी बहुत ज़बरदस्त है। ये काजू और बेरीज को यूज़ करके मैंने बनाया है और इसमें ना कोई दूध इस्तेमाल हुआ है और ना ही कोई क्रीम। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब आप लोग मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।